दोस्तों अगर आप भी कर रहे थे MI A2 का वेट तो यार उसके लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है और उसके साथ एक और बम्पर न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि यार Xiaomi लेके आने वाला है 24 जुलाई को स्पेन में अपने दो फोन। तो कौन से वो फोन से आज इस वीडियो में मैं आपको उन सबके बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। तो बिना समय को गवाए हुए आज इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और जो उसके बगल में घंटी वाला बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यार आप लोगों ने बीच में कुछ र्यूमर सुनी होगी कि MI A2 के साथ साथ MI A2 Lite भी आ रहा है। तो बिल्कुल आपको स्पेन में यानी कि 24 जुलाई को स्पेन में आपको ये दोनों फ़ोन का लॉन्च एक साथ देखने को मिल जाएगा, जो MI A2 के साथ साथ आपको मिल जाएगा MI A2 Lite। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि Xiaomi दो फोन एक साथ आपके लिए लेके आने वाला है। उसे बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ MI A2 में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। बात करता हूँ इसकी डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले आपको मिलेगी इसमें फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ साइज़ की तो 5.9 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इसमें यानी कि लाइट में आपको नॉइज़ देखने को मिल जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि Xiaomi इस फ़ोन को लेके आने वाला है अंडर 10,000 के अंदर अंदर और वो भी नॉइज़ के साथ। तो हो सकता है ये सबसे सस्ता फ़ोन हो नॉइज़ के साथ जो आने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस पर जो प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं इसमें जो बैटरी की, तो बैटरी मिलेगी आपको 4000 mAh की, यानी कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कैमरे की, तो कैमरा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ड्यूल कैमरा बैक में, जिसमें आपको 12+5 MP कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 5 MP का कैमरा, लेकिन यार आपको उतनी अच्छी फोटो नहीं मिलेगी जितनी आपने MI A2 से एक्सपेक्ट की थी, यानी कि लाइट में आपको उतनी अच्छी फोटोज देखने को नहीं मिलेगी कैमरे की तरफ से। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो, क्योंकि इसमें जो फ्रंट में कैमरा दिया गया है वो 5 MP का दिया गया है। अपर्चर की बात करता हूँ, f2.2 का अपर्चर आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको मिलेगा इसमें वो मिलेगा आपको एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड मिलेगा 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स, और स्टॉक एंड्रॉयड आपका एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूँ इस फ़ोन के बारे में। और एक और चीज़ बता दूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, जैसे अभी आपको पता होगा मोटो E5 प्लस आया था उसी तरीके से आपको ये भी मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंटरनल रैम की और स्टोरेज की, तो रैम की बात करूँ तो रैम मिलने वाली है आपको इसमें 4 GB, और जो इंटरनल स्टोरेज मिलेगा वो मिलेगा 64 GB तक का। आप इसमें हाइब्रिड सिम को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे या दो सिम यूज़ कर सकते हैं, या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को आप एट अ टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई MI A2 Lite की बातें। अब कर लेते हैं MI 2 जो आने वाला है उसकी बात। तो जो MI 2 आने वाला है उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 636 से बहुत अच्छा प्रोसेसर देखा जाता है। और उसके बाद बात कर लेता हूँ इसमें डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको मिलेगी 5.99 इंच की, आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें डिस्प्ले में आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो फ़ोन आने वाला है यानी कि MI A2 आने वाला है वो होने वाला है MI A1 का सक्सेसर बन के आने वाला है। आपको बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सारे सेम मिल जाएंगे, स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाएगा, और आपको प्रोसेसर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इसमें कैमरा मिलने वाला है बैक में वो मिलेगा 12+20 MP का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में मिलेगा आपको 20 MP का कैमरा, जिसमें आपको AI बेस्ड मिल जाएगा, जिससे आपकी फ़ोटो में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, बाकी सारे छोटे मोटे फीचर जो Xiaomi देता ही है अपने फ़ोनों में वो सारे आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। लेकिन इस फ़ोन में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैटरी दी गई है वो 3000 mAh की दी गई है, जबकि यार जो MI 8 1 था उसमें 3080 mAh की थी, इसमें उसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर दिया गया है, 3010 mAh के करीब करीब की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल सकती है। तो यार ये 24 तारीख को होगा लॉन्च, तो मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर मैं बात करूँ लाइट की यानी कि MI A2 Lite की, तो वो होने वाला है बजट सेगमेंट के अंदर अंदर 10,000 के अंदर अंदर में लॉन्च होगा। अगर मैं बात करता हूँ MI A2 की, तो वो होने वाला है अराउंड 16,000 से 17,000 के करीब करीब इसका बेसिक वेरिएंट होगा, जो होगा 4 GB 64 GB, और जो दूसरा वर्जन आएगा वो आएगा 6 GB और 128 GB के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको चाहिए इन दोनों फ़ोनों में से कोई भी फ़ोन, तो मेरे को नीचे कमेंट्स करके बताना कि आप कितने बेसब्री से कर रहे हैं इस फ़ोन का इंतजार, तो मेरे को नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आई होगी वीडियो पसंद। अगर आई है वीडियो पसंद तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।